बेगूसराय सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने और मरीजों को बेहतर इलाज के लिए लगातार जिला प्रशासन निगरानी कर रही है। उप विकास आयुक्त सुशांत कुमार और SDO संजीव चौधरी दलवल के साथ फिर सदर अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। DDC और SDO ने यहां मरीजों के इलाज के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में काफी संख्या में मरीजों के परिजनों को देखकर नाराजगी भी व्यक्त की। DDC ने बताया कि कुछ मरीजों का ऑक्सीजन लेवल ठीक है, वह घर नहीं जा रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों द्वारा और अधिकारियों द्वारा भी समझाया जा रहा है कि वे बेड खाली कर दें, घर पर भी वह ठीक रह सकते हैं। बेड खाली होने पर दूसरे मरीजों को सहूलियत होगी। हालांकि बेड की कमी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज और बलिया अस्पताल समेत कई जगहों पर बेड खाली है। परिजनों को यहां नहीं आने की हिदायत भी दी गई है। बेगूसराय में 24 घंटे में 619 लोग कोरोना संक्रमित हुए। बेगूसराय में कोरोना मरीजों की संख्या 4892 गई है। इलाज के दौरान 12 मरीजों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 215 पहुंच गया है। इलाज के दौरान 474 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल 324 मरीजों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। सर लगातार सर आप लोग मुआयना कर रहे हैं बेगूसराय सदर अस्पताल और साजिशन कर रहे हैं COVID-19 पेशेंट के परिजन को भी, और इसमें सर जो पेशेंट यहां पर जो ठीक हो चुका है, जिसका 98 ऑक्सीजन है, वो घर जाना नहीं चाह रहा है, इस पर सर क्या प्रशासन के द्वारा कदम उठाया गया? नहीं, इस पर जिनका भी ऑक्सीजन लेवल बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के अच्छा रह रहा है, उनसे हम लोग यही बोल रहे हैं कि अब तो उनको घर जाना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर उनको बोल दिए कि अब ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं ही रिकवर कर जाएंगे, तो आगे घर पे जाके वो अपना ये करें ताकि बेड खाली हो जाए, जिससे कि हम लोग अन्य जो और पेशेंट आ रहे हैं उनको हम लोग अटेंड कर पाएँ, ये हम लोगों का। अभी सर हॉस्पिटल में आपका पूरा सीट पूरा फुल है, और नए पेशेंट के लिए आपका क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, सिर्फ यही हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, और भी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हमारा व्यवस्था है, बलिया तरफ है, सभी सब डिवीज़न में व्यवस्था है, बेड्स हैं उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में, तो जहां भी ऑक्सीजन के सपोर्ट की ज़रूरत है वहां हम लोगों के पास काफ़ी बेड है, कोई दिक्कत नहीं है।